आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ विल बी ट्राइट्रेट द डोज ऑफ एड्रेनलिन. ओके, हाउ वी विल टाइट्रेट द डोज ऑफ एड्रेनलिन इन द 1:1000 और 1:10,000 रेशियो. It is very simple but little bit confusing to all. So I am explaining the very simplest way. Okay. So normally जो adrenaline का ampule आता है, ampule होता है adrenaline का, उसमें 1:1000 के ratio में और 0.1% strength में होता है, जिसमें लिखा रहता है Each ml or means that 1 ml of solution contain 1 milligram of adrenaline. Okay, one second, three things there. यहाँ पे तीन चीजें आपको समझ में आई कि 1:1000 ratio, 0.1% of strength and 1 ml contain the 1 ml of the सॉरी 1 milligram ऑफ एड्रेनलिन. ओके, मैं इन तीनों चीज़ों को बहुत इजी से वे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर हम पहले एक्सप्लेन करें 1:1000 रेशियोज का क्या मतलब है, इट मीन्स दैट कि 1 gram डिजॉल्व इन 1000 ऑफ ml ऑफ सोल्यूशन. 1 gram एड्रेनलिन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में घोला गया है. अगर मैं 1 gram को मिलीग्राम में चेंज करूँ, बिकम द 1000 milligram इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. मीन्स दैट 1000 milligram इन 1000 ऑफ सोल्यूशन मीन्स दैट 1 milligram इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन. गॉट द पॉइंट कि कैसे 1 ml में 1 ml एड्रेनलिन आया, ऐसे आया. 1 milligram have the 1 ml of 1 ml of solution have the 1 milligram of the adrenaline. Okay. Now second one is that 0.1% strength. Percent is strength. Little bit confusing. Do not confuse with the ratio on strength. I will explain it very easily. Let's see that. 0.1% strength का मतलब होता है कि 0.1 gram in परसेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. ऑफ सोल्यूशन मीन्स 0.1 gram एड्रेनलिन है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, यानी कि 0.1 gram को अगर मैं मिलीग्राम में चेंज करूँ, इट बिकम द 100 milligram. सो 100 milligram एड्रेनलिन प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ सोल्यूशन मीन्स 1 gram adrenaline in the 1 ml of solution. Got my point? It is same as it is. So I will explain how 1:1000 ratio, 0.1%, and means that 1 ml in 1 ml solution contains 1 milligram of adrenaline. Okay. Now I am going to explain you how will we titrate in different ratio. Okay, let's see that. जो हमारा एम्प्यूल था, जो कि 0.1% स्ट्रेंथ में था, 1:1000 के रेशियो में था, और जिसमें 1 ml में 1 milligram एड्रेनलिन कंटेंट था, ठीक है, एड्रेनलिन कंटेंट का, उसको मैं कैसे डिफरेंट डोजेस में डिवाइड करता हूँ. वेरी इजीली मैंने जबकि स्ट्रेंथ रेशियो और कैसे 1 ml में 1 मिलीग्राम है एक्सप्लेन कर दिया. नाउ देयर थ्री डिफरेंट वे एंड वेरी इजीएस्ट वे हाउ विल वी टाइट्रेट. ओके, आप एक एम्प्यूल को, जो कि सेम एम्प्यूल है, सेम स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, सेम रेशियो की बात कर रहा हूँ, जो कि 1:1000 रेशियो में है, इसका 1 ml आपने लिया और उसको 9 ml NS में डिसॉल्व कर देते हैं.
ओके, आपने 1 ml लेके इस एम्पूल से और 9 ml एनएस में इसको डिसॉल्व कर दिया. सो नाउ 1 ml एड्रेनालिन इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, क्योंकि 1 ml में 1 mg एड्रेनालिन होता है. लेट्स सी दैट 1 ml में 1 mg एड्रेनालिन होता है, इसलिए 1 ml एड्रेनालिन इन द 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, मींस दैट अगर मैं 1 ml अगर मैं इसको मिलीग्राम में बोलूं तो 1 mg एड्रेनालिन इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, 1 ml इज टू 1 mg देयर. ओके, अब मैं 1 mg को अगर चेंज करूं माइक्रोग्राम में, इट बिकम द 1000 माइक्रोग्राम एड्रेनालिन इन द 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, नाउ मींस दैट 1 ml ऑफ सॉल्यूशन हैव 100 माइक्रोग्राम ऑफ एड्रेनालिन. ओके, गॉट द पॉइंट? Got the point? 1 ml of solution have the 100 microgram of adrenaline. Okay? अगर आपको किसी को example 50 microgram adrenaline देना है तो आप उसको 0.5 ml of this solution का बनाए हुए से आप दे सकते हैं. Got the point? Next one. Same ampule, same ratio, same strength. Okay? इसके आपने 0.1 ml को 9.9 ml NS में डिजॉल्व कर दिया. इस यहाँ पे आपने 1 ml को 9 ml में किया था तो ये रेशियो आया. अब आप 0.1 ml को 9.9 ml में डिजॉल्व करेंगे तो मीन्स दैट 0.1 ml इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट? Yeah, 0.1 mg in 10 ml of solution there. Milligram को microgram में convert करता हूँ तो ये आएगा आपका 100 microgram in 10 ml of solution. Means that कि 10 microgram in 1 ml of solution means 1 ml of solution have 10 microgram of adrenaline. Got the point? तो कैसे मैंने 1 ml में 100 माइक्रोग्राम रखा, 1 ml में 10 माइक्रोग्राम आ गया. ठीक है, अगर आपको 10 माइक्रोग्राम देना है किसी को, 10 माइक्रोग्राम देना है तो आप उसको 1 ml सॉल्यूशन का दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज दैट सेम एम्प्यूल को आपको आपने इस 1 liter ऑफ NS में डिजॉल्व कर दिया. 1 liter में डिजॉल्व किया यानी कि 1 ml और 1 mg एड्रेनलिन को आपने 1000 ml में डिजॉल्व कर दिया. हालांकि 1001 ml हुआ बट अप्रॉक्सीमेटली इज अ लार्ज वॉल्यूम सो वीट कंसिडर एज ए 1000 ml. ओके, सो 1 mg इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. अगर मैं 1 mg को माइक्रोग्राम में चेंज करता हूँ बिकम द 1000 माइक्रोग्राम इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन. गॉट इट? मीन्स ओके, 1000 माइक्रोग्राम इन 1000 मीन्स 1 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 1 microgram ऑफ एड्रेनालिन. गॉट द पॉइंट? Got the point? So 3 titrates there. 1 ml 100 microgram adrenaline, 1 ml 10 microgram adrenaline, and 1 ml is a 1 microgram adrenaline. अगर किसी बच्चों में आपको infusion set करना है 1 microgram per minute से infusion set करना है तो आप बनाए हुए solution का 1 ml per minute से आप infusion सेट कर सकते हैं. इज अ वेरी इजी वे टू टाइट्रेट. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.